मंडला जिले में फर्जी अधिकारी बनकर आदिवासी लोगों को लगातार शिकार बनाया जा रहा है। अब नया मामला नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का है। दरअसल एक शख्स फर्जी आईएएस बनकर महिलाओं और लड़कियों से जालसाजी कर रहा था। आरोपी आनंद धुर्वे ने बकायदा नौकरी दिलाने के नाम पर मोबाइल पर परीक्षा भी करवा दी थी। आरोपी ने लड़कियों को बताया कि उसकी नौकरी लग चुकी है, इसलिए आपको नागपुर आना है, यहां से उनको दिल्ली ले जाया जाएगा। लेकिन किसी तरह से इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उसे कब्जे में ले लिया गया है। ये मामला संज्ञान में उस वक्त आया जब पीड़ित लड़कियां मंडला में एक किराए के मकान में रह रही और मकान मालिक से पता चला कि मंडला पुलिस ने मनीष आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया है। कि थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया है 400 BC का। ये जो है आनंद धुर्वे नाम का व्यक्ति है, यहीं घोघरी थाने से रिलेटेड है ये। इसने कुछ ऐसा सिस्टम किया था जिसमें रेलवे में पुलिस के नाम से नौकरी लगाने के संबंध में कुछ लड़कियों को इसने परीक्षा वगैरह दिलवाया मोबाइल के माध्यम से और सेलेक्ट कर लिया और इनको बताया कि आपकी नौकरी पुलिस में लग गई है, आप लोग जो है नागपुर आ जाए तो वहाँ से आपको फिर दिल्ली ले जाया जाएगा। तो ये कहीं से लीक होकर के ये बात पता चली और पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई की, व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ चल रही, और भी व्यक्तियों के इसमें बढ़ने की उम्मीदें हैं और जिन लोग के साथ भी चीट हुआ है उनको ही फरियादी बनाया गया है, उनकी तरफ से केस दर्ज किया गया है। हाँ, ये अपने आप को आईपीएस नाम बताया, एक छद्म नाम दिए अपना, मनीष परते, आईपीएस मनीष परते के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और नौकरी लगवाने के नाम पर इनकी परीक्षा भी ली और इनका सिलेक्शन भी किया और इनको वो ले जाने वाला था दिल्ली नागपुर के रास्ते। सर कैसे मामला? ये मोबाइल के माध्यम से 10वीं या 12वीं के जो क्वेश्चन हैं उनको ही इनके मोबाइल के माध्यम से इसने भेजा, कुछ इनसे प्रश्न वगैरह पूछा और इनका सिलेक्शन कर लिया उसी बेस पे। सामने वाले को भी जो लड़कियां थी वो भी 11वीं 12वीं और कॉलेज स्तर की हैं, तो उन्होंने ये परीक्षा दिलाई मोबाइल के माध्यम से, उनको लगा हमारा सिलेक्शन हो गया और वो इस साथ जाने को भी तैयार हो गई और इसने अपने आप को जो आईपीएस कह करके इंट्रोड्यूस किया उस पर लोगों का और विश्वास हो गया और नौकरी की समस्या से जूझ रहे ऐसे लोग उसमें शामिल हो गए। अभी कितने आरोपी हैं सर? अभी एक आरोपी के हमने जेल रवाना किया, मुख्य आरोपी है, अन्य दो आरोपी और भी हैं उनको भी हम तत्काल कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे जो जो भी इसमें नाम आते जाएंगे या रैकेट से गिरोह के रूप में उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। आरोपी खुद को मनीष परते आईपीएस बताता था। जांच में पता चला कि आरोपी 10वीं फेल है और ज्यादा हाई प्रोफाइल भी नहीं है। पीड़ित और आरोपी घुंघरी ब्लॉक के हैं, लिहाजा पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।